हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव वर्मा, आज आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इन हिंदी फॉर आरबी एनटीपीसी पार्ट 14। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करते हैं संविधान के प्रमुख संशोधन। हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो, आरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की डेट आ चुकी है। लगभग 15 दिसंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए याद करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीएस का सिलेबस काफ़ी है। अच्छे से हर एक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको सिलेक्ट हो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा, हर हालत में करना ही होगा क्लियर। तो बिना टाइम वेस्ट करके करते हैं, चलो मेहनत करते हैं अच्छे से। तो आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के बारे में बताया गया है, और इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन तब से लेकर 2020 अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। और संविधान संशोधन विधेयकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, तीसरा संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। चलो साधारण बहुमत से संशोधन पढ़ते हैं। साधारण संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण करना हो, या राज्य क्षेत्र की जैसे या वर्तमान राज्य क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना हो, तो वो साधारण बहुमत से किया जाता है। और यदि संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्था करनी हो, तो साधारण बहुमत से क्या था। नेक्स्ट, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। तो यह था विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करना हो तो। नेक्स्ट, संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे कि इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय है, इन्हें अच्छे से याद रखना, क्योंकि संशोधन के विषय याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे ये विषय किस कौन से संशोधन से संबंधित है, साधारण विधेयक संबंधी या विशेष बहुमत से संबंधित है, तो इसे अच्छे से याद करिए। एक बार रिपीट करता हूँ, इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय है राष्ट्रपति के निर्वाचन, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54, इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति अनुच्छेद 55, और संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना, और फोर्थ में केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और फिफ्थ पॉइंट संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधी शक्तियों का विवरण, और छठा पॉइंट सातवीं अनुसूची का कोई विषय हो, या फिर सातवां पॉइंट संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब ये लास्ट पॉइंट आठवां, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। चलो अब अच्छे से हर एक को डिटेल में पढ़ते जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट संशोधन है। तो पहला संशोधन 1951 में किया गया। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 9वीं अनुसूची जमींदारी पर था और भूमि सुधार से रिलेटिव थी। अब तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, जो 9वीं अनुसूची को संविधान में ऐड किया गया। नेक्स्ट, दूसरा संविधान संशोधन 1952 में किया गया। इसकी डेट भी याद रखना। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। सातवां संशोधन 1956 में किया गया। इस संशोधन द्वारा राज्यों का ए बी सी और डी वर्गों में विभाजित समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। नेक्स्ट, दसवां संशोधन 1961 में किया गया। दादा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। नेक्स्ट, बारहवां संशोधन 1962 में किया गया। गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। नेक्स्ट, 14वां संशोधन 1963 में किया गया। इसके द्वारा पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया, तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, 21वां संशोधन कब किया गया? 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को, तो हमारी मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है, इसे याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट,
24वां संशोधन कब किया गया? 1971 में संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। मतलब कि मौलिक अधिकार और किसी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। भाग मूल संविधान में 22 भाग थे लेकिन वर्तमान में 25 भाग है। नेक्स्ट 31वां संशोधन 1974 में किया गया। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई, इनमें से 545 निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। नेक्स्ट 36वां संशोधन 1975 में किया गया, इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वां राज्य के रूप में प्रवेश करने का प्रवेश प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट 37वां संशोधन 1975 में किया गया, इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। ओके नो, उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। वीडियो को अच्छे से समझिए, अच्छे से याद कीजिए। एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो इसे अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।